टी20 हो, ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन तीनों फॉर्मेट पर पिछले कुछ अरसे में इंतहाई मायूस कुन रही है। बांग्लादेश से होम सीरीज में दो टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच एक इनिंग और 47 रन से हार चुका है, जबकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 556 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने उसके जवाब में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच पांचवें दिन हार गया। और अब अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के तीन स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सेलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने कोई मिस्ड सेंचुरी स्कोर नहीं की है, जबकि 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जो औसत है रन बनाने की वो 21 रही है। जबकि शाहीन शाह आफरीदी अपनी इंजरी के बाद भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे और पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 17 विकेट हासिल किए हैं। इन तीनों के अलावा सरफराज अहमद जो कि रिजर्व विकेट कीपर थे उनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और अब जो नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया है उसमें तीन डेब्यूटेंट हैं, हसीबुल्ला और कामरान गुलाम बल्लेबाज हैं और स्पिनर के तौर पे मेहरान मुमताज को शामिल किया गया है। इन तब्दीलियों के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी तो तब्दील हो रहे हैं लेकिन मुसलसल चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, कोचिंग स्टाफ हो या सेलेक्टर्स हो, वहाँ पे भी हमें पिछले 3-4 सालों में बार बार मुसलसल तब्दीलियाँ नजर आई हैं। पिछले 4 साल में 4 PCB चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज़ राजा, नजम सेठी, जका अशरफ और इसके बाद अब मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन हैं। कोचिंग स्टाफ में भी मुसलसल तब्दीलियां हुई हैं, पिछले 5 सालों में 5 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया, इनफैक्ट 6 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया है, उसमें मिसबाह हक भी रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी है, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल रहे हैं। और अब टेस्ट क्रिकेट में जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और गैरी कर्स्टन वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं पिछले 3 सालों में वो सिलेक्शन टीम में है। 2021 से लेकर अब तक 26 सेलेक्टर्स को आजमाया गया है, जिनमें चीफ सेलेक्टर्स के ओहदे पर मोहम्मद वसीम, शाहिद आफरीदी, इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ शामिल रहे। और अभी 2 दिन पहले सिलेक्शन कमेटी में दोबारा तब्दीली करके आकिब जावेद, अजहर अली और साबिक एम्पायर अलीम डार को शामिल किया गया है। आज जब ये तब्दीलियाँ हुई हैं तो इस पर फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए ख़राब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, उसके लिए राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इन तब्दीलियों के हवाले से बताइएगा, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है सिलेक्शन टीम का और PCB का जो उन्होंने बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया है? देखिए तब्दीली अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है, मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी, बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था, शान मसूद खुद रेस्ट ले लेते और एक आध प्लेयर शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट दे देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो क्योंकि एक टेस्ट इंग्लैंड का खेलते उसके बाद 2 टेस्ट में वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। ये तीसरा टेस्ट आ रहे और बड़ी चेंजेस किए हैं और जो प्लेयर्स लिए हैं जो निकाले हैं उसमें 2 बड़े नाम हैं, नाम तो सारे बड़े हैं लेकिन 2 बड़े, सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान जो जीते हैं चैंपियन ट्रॉफी और बाबर आजम, 2 फास्ट बॉलर नसीम शाह, उनकी शोल्डर की इंजरी है थोड़ी थी, और शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद अनफिट हो चुके हैं, बुखार था उनको या जो भी प्रॉब्लम थी वो टीम के साथ नहीं है। नए प्लेयर जो लिए हैं, मेहरान मुमताज से बहुत उम्मीदें हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बॉल करते हैं, यंग है, अभी एमर्जिंग के लिए जा रहे थे UAE तो उनको रोक लिया गया है। कामरान गुलाम सालों से रन करते हैं, पाकिस्तान का कायदे आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड उनके पास है, हर टीम में सिलेक्ट होते हैं और अगली टीम में ड्रॉप हो जाते हैं, हर टीम में सिलेक्ट होते हैं फिर उससे अगले टूर पर ड्रॉप हो जाते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है मेरे ख्याल से, जावेद मियादाद हो, यूनुस खान हो, यूसुफ हो, जमाम हो, जहीर अब्बास, माजिद खान, जो भी है सब पे बुरा टाइम आता है और वो फिर अपने वर्क करके वापस आते हैं, तो बाबर को मायूस नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए, फखर ने जज्बात होके दे दिया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर्स के ऊपर लाइफ में टाइम आता है। बड़े बड़े प्लेयर पूरी फॉर्म में होते हैं, चाहे वो तेंदुलकर हो, रिकी पोंटिंग हो, एबी डिविलियर्स हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस जगह पर खड़ी हुई है
वो अच्छा, मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, जो कि यूनाइट करती है पूरे पाकिस्तान जी। एक डेढ़ साल से या दो साल से देखें हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है तीनों फॉर्मेट में, जैसे आपने शुरू में बताया कि सारे उसकी वजह आपने खुद ही अपने इंट्रो में सारा कवर कर लिया था, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, बहुत चेंजेस हुई हैं। मानी साहब आए थे 2019 में, उसके बाद रमीज राजा, उसके बाद नजम शेट्टी, उसके बाद जका अशरफ, उसके बाद हसन मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो ये इतनी ज़्यादा चेंजेस होगी तो बोर्ड भी चेंज होता है, तो साथ में अपने लोग लेके आते हैं, सेलेक्शन कमेटी चेंज होती है। आपने मोहम्मद वसीम का नाम लिया, शाहिद खान आफरीदी का नाम लिया, हारून रशीद साहब है, निकी आर्थर थे जी, वहाब रियाज, इमामुल हक, सारे लोग आके चले गए। जब दो तीन सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, दो तो चार प्लेयर तो अपने लेके आएंगे ना लाइकिंग के, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने, लेकिन राशिद साहब मेरे ख्याल से 26 सेलेक्टर्स तीन साल में चेंज हुए, 26 तो हमने नए प्लेयर्स भी नहीं आजमाए, तो इसका मतलब ज्यादातर सेलेक्टर्स आके उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करते रहे। नहीं, चार जो ड्रॉप होते हैं वो अगले चार में वापिस आ जाते हैं, कोई नए प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुए इसमें ये। लेकिन सबसे अहम है कि चेयरमैन एक लंबे अरसे के लिए बनाते हैं, जिस तरह से हमारे ना प्राइम मिनिस्टर चीफ पैटर्न है वो करते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं चेयरमैन भी, वो भी चेंज। इसमें प्रेसिडेंट को होना चाहिए शायद, जो चीफ जो बनते ना पैटर्न, उनको होना चाहिए, जो तीन साल चार साल तो एक चेयरमैन को दें आप। सही है। अगर रमीज राजा थे, गवर्नमेंट चेंज हुई, वो चेंज हो गए, फिर जका अशरफ और सेट्टी साहब का तो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। सही। आप चाहते हैं कि एक मुस्तकिल सेटअप हो, आप ये बताइएगा कि देखिए अब ये नए प्लेयर्स जो टीम में इंडक्ट किए हैं जिसमें डेब्यूटेंट भी हैं, अब ये फेल हो जाएंगे तो फिर प्रेशर आएगा, और क्या फिर दोबारा पुराने खिलाड़ियों के ऊपर चले जाएंगे? आपके ख्याल में आप इनको अगर लाए गए हैं टीम में तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखिए, वक्त आपको फर्स्ट क्लास में देना चाहिए। इसमें एक पॉलिसी होती है सिलेक्शन की पॉलिसी, जो हमारे कभी भी नहीं बनी, कि बैट्समैन अगर है ना तीन चार साल खेले, जैसे कामरान गुलाम है, अपने पीक का टाइम गुजार चुका है। देखिए, उसने 2004-3 साल पहले रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान का, उसको तो टेस्ट मैच नहीं मिला। एक नया लड़का आता है लाइकिंग में, वो आके पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो क्या सोचेगा? तो मतलब ये है कि जो तो खेल रहा है रेगुलरली फर्स्ट क्लास खेल नहीं रहे लड़के हमारे। वो जो खेल के आते हैं, वो जैसे यासिर चाह आया था, थोड़ा लेट आया लेकिन उसने परफॉर्म किया। मोहम्मद हफीज आए थे, परफॉर्म करते हुए आए थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, फिर खेले नवामुल के 35 मैचेस थे फर्स्ट क्लास के। तो इनके देखते हैं कितने मैचेस हैं। मेहरान मुमताज वेरी यंग प्लेयर, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं उससे, अगर वो करता है तो बहुत अच्छा है। हसीबुल्ला विकेट कीपर, वनडे T20 तक तो बहुत अच्छा है। मैं टेस्ट मैच उम्मीद करते हैं कि जो चेंजेस की गई उसके बाद कुछ मुस्बत परफॉर्मेंस हमें नजर आए।